लो, घर पे था तो टिकने नहीं दे रही थी, अब जा रहा हूँ तो मार्ग में आके रोक रही हो। ये ऐसे इस प्रकार किसी भोले युवक का मार्ग रोकना अच्छे घर की संस्कारी लड़कियों को तो शोभा नहीं देता। अच्छा, क्या बात है, ये पाखंड दिखाने का गुण जन्मजात से है या किसी से सीखा है? पाखंड? और मैंने क्या पाखंड किया है? मैं तो केवल अपने बाबा का पत्र देने आया था। वही तो, यदि तुम्हें अपने बाबा का पत्र ही देना था तो सीधा हाथ में दे देते, क्योंकि तुम जान गए थे कि मैं ही श्री विश्वानन्द जी की पुत्री हूँ। किंतु तुमने ऐसा नहीं किया और यहाँ पर चले आए। पहली बार तो आए नहीं हो यहाँ पर तुम, और ये बांसुरी की धुन मैं पहले भी कई बार सुन चुकी हूँ। अर्थात उस दिन हाट में मिलना, यहाँ पत्र के बहाने आना और ये बांसुरी बजाना, इस सारे पाखंड के पीछे क्या उद्देश्य है तुम्हारा? सच सच बताओ, अन्यथा। पहला सच तो ये है कि बुद्धि तो है आप में। वो मैं जानती हूँ, तुम अपना सत्य बताओ। वो जाने बिना मैं तुम्हें यहाँ से जाने नहीं दूंगी। सत्य तो मैं बता दूंगा, परंतु क्या उसे समझ पाओगे? इसमें समझना क्या है, सत्य तो सबको समझ में आता है। संसार में सबसे कठिन सत्य को समझ पाना ही तो है। कठिन या सरल, वो मेरा निर्णय होगा, तुम बताओगे या नहीं? अगली बार आना तो मेरे पुत्र की मृत्यु का समाचार साथ लाना, अन्यथा अपना मुख मत दिखाना। कंस हूं मैं, किसी को भी परास्त कर सकता हूं मैं, काल को भी। और आज उस कृष्ण को मारकर मैं ये सिद्ध कर दूंगा। कुमारगरत कुसंगनत कुचक्रवत कुलक्षणम कुटिल कुपंथ कामी क्रोध रूप कंस क्रूरतम। जिस बहन से तू इतना प्रेम करता है, उसकी 8वीं संतान तेरा काल बनेगी। तेरी दुष्टता का अंत करने वाला देवकी के गर्भ से जन्म लेगा। सकता है मुझे युद्ध के लिए सच करना, उससे शर का छल हो। मैं स्वयं कृष्ण के सामने जाकर संकट क्यों बोल लूं, जबकि बिना वहां जाए मैं उस कृष्ण का अंत कर सकता हूं। चल क्या है तुम्हारे मन में, और यहां क्या करने आते हो? यदि तुम जानना ही चाहती हो तो बता देता हूं। मैं बरसाना की एक लड़की से प्रेम करता हूं। तो मायावी होने के साथ साथ ये लड़कियों को अपने प्रेम जाल में फंसाने वाला भी निकला। मुझे तो ये भी झूठी प्रतीत होता है। सच कहो, यही है तुम्हारा सत्य? मैं कहाँ झूठ बोलता हूँ, बस जैसे कहा था लोग समझ नहीं पाते। समझ में तो आ गया पर विश्वास नहीं हो रहा। यदि यही तुम्हारा सत्य है तो बताओ कौन है वो लड़की? बोलो भी, कौन है वो? क्या नाम है उसका? उसका नाम जानना चाहती हो? उसका नाम है रुक क्यों गए? जिससे प्रेम करते हो उसका नाम भी नहीं ले सकते? नहीं ले सकता। क्या है, उसका नाम लेके मैं उसे बदनाम नहीं करना चाहता, पर ये अवश्य कह सकता हूँ कि वो भी मुझसे प्रेम करती है। बस मुझे और मेरे प्रेम को भूल गई है। अक्रूर। आज्ञा महाराज। उस बालक की आयु कितनी होगी? लगभग 16 वर्ष। यदि 16 वर्ष के बालक के अंत के लिए मैं महाबली कंस स्वयं जाएगा तो वो बालक संसार की दृष्टि में मुझसे बहुत बड़ा बन जाएगा, इसलिए उस बालक को मारने मैं नहीं जाऊंगा। परंतु फिर कोई उपाय महाराज? यदि वो तुम्हारा प्रेम भूल चुकी है तो यहाँ आने का क्या लाभ? यही तो समस्या है। संसार प्रेम में लाभ ढूंढता है और मैं संसार भर में प्रेम को। क्या कुछ समझ में नहीं आया? बस इतना समझ लो, वो मुझे भूली है, मैं उसे नहीं। उसका मुझे भूल जाना हमारे प्रेम की एक परीक्षा है और उसे जब सब कुछ याद आएगा, मुझे उस पल की प्रतीक्षा है। और मुझे विश्वास है हम इस परीक्षा में अवश्य सफल होंगे। मैं उसके लिए किसी भी सीमा को तोड़ सकता हूँ और किसी भी सीमा में प्रवेश भी कर सकता हूँ। कहना क्या चाहते हो? शीघ्र ही बरसाना आ रहा हूं ताकि अधिक से अधिक समय मैं अपने प्रेम के साथ बिता सकूं। यही पत्र तो देने आया था मैं विश्वान खकर। सत्य क्या है मुझे सब समझ में आ गया है। तुम हमारे बरसाने की एक भोली भाली लड़की को अपनी बात और माया के जाल में फंसाना चाहते हो। मैंने पहले ही कहा था मेरा सत्य समझना कठिन होगा। सब समझ गई मैं। जितना सोचा था उससे अधिक दूर तो तुम। जिससे प्रेम करते हो उसे ही तुम्हारा नाम याद नहीं है। किस प्रेम की बात कर रहे हो? ये ऐसा प्रेम जो ना कभी सुना ना कभी जाना। मुझे तो पूरा विश्वास है तुम्हारा परिवार इस प्रेम के विषय में बिल्कुल नहीं जानता होगा। कैसा प्रेम है ये जिसमें अपनों का साथ ना हो, उनकी सहमति ना हो। यदि बाबा ने तुम्हें बरसाने में रहने की अनुमति दी तो उनकी आज्ञा का विरोध तो नहीं कर पाऊंगी, किंतु तुम्हें अपने गांव में किसी भी भोली भाली लड़की के जीवन से खिलवाड़ नहीं करने दूंगी। भैया। क्या हुआ, तुम चिंतित क्यों? चिंता का विषय है मुखिया जी, कंस की बहुत सारी सेना गोकुल की तरफ आ रही है। अवश्य कृष्ण को ढूंढने आए होंगे। हमने गोकुल को चारों ओर से घेर लिया है और महाराज कंस के आदेश अनुसार कल सुबह भोर होते ही सूरज की पहली किरण के साथ हम संदूक को खोल देंगे और गोकुल पर चारों ओर से आक्रमण कर देंगे। मुखिया जी, कंस के सैनिक गोकुल की सीमा पर खड़े हैं और भोर की पहली किरण के साथ गोकुल पर चारों ओर से आक्रमण कर देंगे। हमें शीघ्र इस समस्या का कोई ना कोई हल तो निकालना पड़ेगा। कान्हा, तुझे कुछ हुआ तो नहीं? नहीं। तुम ठीक तो है ना? अब जिसकी मैया उसे इतना प्रेम करे, उसे भला कैसे चोट लग सकती है? मैया पीड़ा हो रही है ना? और मैया की पीड़ा का क्या? सब सुना मैंने। तूने कंस के सैनिकों के साथ झगड़ा मोल लिया है ना? क्या आवश्यकता थी ये सब करने की? तुझे कुछ हो जाता तो? मुझे बहुत पीड़ा हो रही है। सुनिए तो मैया, वहां पर कंस के सैनिक गोकुल पर आक्रमण करने की बातें कर रहे थे तो मैं वहीं रुक गया जानने के लिए कि ऐसा क्यों। हम तो कर भी समय पर भर रहे हैं। फिर मुझे ज्ञात हुआ कि किसी ने महाराज कंस के मन में एक भ्रम डाल दिया कि वो आकाशवाणी वाला बालक, वही बालक जो उसका काल बनेगा, वो यही इसी गांव में है। अरे वो बालक इसी गांव में, न जाने क्या होगा हमारे साथ। अब मैं ये सोचता हूँ कि वो कौन होगा जिसने महाराज कंस से इतना बड़ा झूठ कहा है। अब यदि ये झूठ नहीं है, सत्य है, तो ऐसा कौन सा ग्वाला हो सकता है जो महाराज कंस का अंत करेगा? सोचने वाली बात है। प्रश्न तो यह है कि कौन ग्वाला शस्त्रधारी सैनिकों का सामना करेगा। प्रश्न तो लाख टके का है शंभू काका, क्या करें? पर एक मार्ग है।